हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। और मैं देवांशु गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव क्लासेस में। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूं, आपको कुछ समझाने के लिए आया हूं। आपको बस इतना करना है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है। मेरी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको आज ये बताऊँगा कि आप सफलता की सीढ़ी को कैसे पार कर सकते हैं, आप कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी इस वीडियो के थ्रू मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा और उसको अपनी लाइफ में उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं डर पर, फियर। क्या नाम है फियर? आखिर फियर किसको कहते हैं? आखिर हमें डर क्यों लगता है? मैंने कई बार सुना है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको एग्ज़ाम से डर लगता है, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, आखिर हमें डर क्यों लगता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डर हमको क्यों लगता है और आखिर इससे निकलने का आसान उपाय क्या है, आखिर हम इससे कैसे निकल सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डर है, डर हमको इसलिए लगता है कि जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने काम किया है, उसको पूरे दिल से नहीं किया है, उसको ईमानदारी से नहीं किया है और उसको टाइम भी नहीं दिया है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस भी नहीं की है, इसलिए आपको डर लगता है। आखिर इस फियर को दूर करने का तरीका क्या है? इस फियर को दूर करने का तरीका है लगन, जुनून। आपको आपके अंदर एक जुनून जगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी चैप्टर में किसी टॉपिक को टाइम देते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आप उसको एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार कीजिए और पूरे दिन करते रहिए तब तक कि वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको उस दिन ऐसा फील होगा आप ही दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को सोल्व करना है, किसी भी फियर से आपको निकलना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्या आपने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन से जाने से पहले डरता है? क्या आपने देखा है कि कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप का मैच खेलने से पहले डरता है? क्या आपने देखा है कि कोई इंजीनियर साइट पर जाने से पहले डरता है? नहीं डरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस की है, उन्होंने उसके लिए अपना टाइम दिया है। तो आपको भी ऐसे ही टाइम देना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जिससे कि आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत ही महान चित्रकार थे जिनका नाम था पिकासो। एक दिन वो स्ट्रीट पर टहल रहे थे, अचानक से उनके सामने एक लेडी आ गई। उस लेडी ने उनको पहचान लिया। उस लेडी ने कहा कि आप मुझको मेरी एक पिक्चर बना के दीजिए। उन्होंने आधे घंटे में वो पिक्चर उनको बना के दे दी। पिकासो ने कहा कि आप इस पिक्चर को ले जाइए और ये इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपीज़ है। उस लेडीज को विश्वास नहीं हुआ, उस महिला को विश्वास नहीं हुआ। वो कह रही है कि आधे घंटे में 10 करोड़ रुपए की ये पिक्चर कैसे बन सकती है। वो फिर एक दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने देखा कि ये तो पिकासो की पेंटिंग है, उसने उसको 10 करोड़ रुपए दे दिए। वो महिला वापस आई पिकासो के पास, उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। पिकासो ने कहा कि अगर आपको ऐसी पेंटिंग सीखनी है तो आपको मुझे 10 साल देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इस आधे घंटे की पेंटिंग के लिए मैं आपको अपने 10 साल नहीं दूंगी। तो कहने का मीनिंग क्या था, उन्होंने ये कहा कि इस आधे घंटे की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझको 10 साल की मेहनत लगी है, अगर तुम भी ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हो तो कम से कम 10 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मैं एक और आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आप सब ने सुना होगा कि हमारे जो महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर,
एक टाइम के महान बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, और एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रैड होग। ब्रैड होग ने एक मैच में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। उसके बाद ब्रैड होग सचिन तेंदुलकर के पास उनका ऑटोग्राफ लेने गए। उस बॉल पर ऑटोग्राफ देने के बाद सचिन ने ब्रैड होग को कहा कि जाओ, आज के बाद ये दिन तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आप कॉन्फिडेंस देखिए कि सचिन ने ये कहा कि आज के बाद आपकी लाइफ में ये वक्त कभी नहीं आएगा। और ये लाइन कहने के बाद सचिन किसी पार्क में या किसी रेस्टोरों में बर्गर नहीं खा रहा होगा, वो उस चीज़ पर मेहनत कर रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं अपनी बैटिंग में कि मुझे ये बॉलर आउट ना कर पाए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन के बाद किसी भी मैच में ब्रैड होग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपने मेरी ये बातें अपनी लाइफ में उतार ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।